हरियाणा में पंचायत और जिला परिषद चुनावों को लेकर हिसार से बीजेपी के एमपी बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायत और जिला परिषद चुनावों में पार्टी और विचारधारा का कोई ज्यादा असर नहीं होता। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर जिला परिषद चुनाव बीजेपी ने अपने पार्टी सिंबल पर लड़े थे, वहां पार्टी की उम्मीद के मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं रहे। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह से खास बातचीत की। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। ब्रजेंद्र सिंह जी, सुबह से ताता लगा हुआ है मिठाई खिलाने वालों का। सरपंच, जिला परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो सरपंची और जिला परिषद के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जितने भी नवनियुक्त सरपंच या वार्ड के जो मेंबर बने हैं या जो बीडीसी इलेक्ट हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका जो आने वाला 5 साल का कार्यकाल है, आप उसमें अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए भरपूर विकास के जो कार्य हैं वो करवाएंगे, क्योंकि अब जो दायित्व है पंचायती राज संस्थाओं का वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब पैसा जो है वो डायरेक्ट पंचायती राज संस्थाओं के पास आता है, जिस वजह से जो हमारे सरपंच बंधु हैं खास तौर पे और ज़िला परिषद के जितने मेंबर्स हैं, उनका दायित्व उस नाते और ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी बढ़ जाती है। और बाकी मैं निजी तौर पे सरपंची के जो चुनाव हैं या पंचायत के जो चुनाव हैं उनको कभी भी किसी पार्टी के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहता। हाँ, वो ठीक है कि ज़िला परिषद के चुनाव में पार्टी ने ज़रूर अपने सिंबल पर कई जगह पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और शायद जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ये चुनाव जो हैं और इनके जो मुद्दे होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक और लोकल होते हैं, और इसमें पार्टी या विचारधारा उस तरह की चीज़ें ज़्यादा लंबा चौड़ा उनकी भूमिका इसमें नहीं होती। ब्रजेंद्र सिंह जी, मैं लगातार देख रहा था जो मिठाई खिलाने वालों की भीड़ थी, ज्यादातर सरपंच, वो साफ तौर से ये बात कर रहे थे कि आदमपुर से वो संबंध रखते हैं, यानी आदमपुर के ज्यादातर विधायक आपके पास पहुंचे। अब आदमपुर से ही नव निर्वाचित एक विधायक भी हैं, लगातार आशीर्वाद लेने जगह जगह पहुंच रहे हैं, आपके पास आए क्या? जी नहीं, मेरे से उनकी मुलाकात अभी दिल्ली हुई थी 2-3 दिन पहले, और बाकी हरियाणा की मेरे ख्याल से अब असेंबली के सबसे युवा वो MLA हैं, तो उनसे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, खास तौर पर जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बहुत लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, और बस यही उम्मीद है कि वो लोगों को जो उनसे अपेक्षा है उस पर पूरे उतरेंगे। सबसे आसान सवाल पर आ जाते हैं, हिसार लोकसभा, कोरोना काल में आप स्वास्थ्य कारणों से और तमाम दूसरे कारणों से दूरी बनाए हुए थे, लोग कह रहे थे कि हमारा सांसद गायब है, अब सांसद जनता के बीच है और समय भी करीब 1.5 साल, अब आगे क्या रोड मैप है? रोड मैप तो जैसे मैंने कहा भी तो साधारण समय है, और साधारणतः जो एक राजनीतिक के खास तौर पर जनप्रतिनिधि का जो काम है वो निष्ठा से करेंगे और कर रहे हैं, यही है, कोई विशेष तो कुछ। राजनीति में संभावनाओं को लेकर जिक्र तो जरूर कर रहे हैं सांसद बृजेंद्र सिंह, लेकिन खुलकर अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।